तो आज काम स्टार्ट करते हैं। आज ये जो टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंसेस इन सी। ठीक है, तो ये एस्केप सीक्वेंसेस कुछ हम इससे पहले भी यूज करते आ रहे हैं, कुछ हमने यूज नहीं किए हैं, कुछ हम आगे जाके यूज करेंगे। सो आई हैव एक्चुअली मेंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हियर और उनके मीनिंग्स। दिस इज अ लिस्ट, हियर वी हैव एस्केप सीक्वेंसेस इन दिस कॉलम और यहाँ पे इनके मीनिंग्स है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको देखेंगे कि क्या इनका काम है। कुछ चीजें हम अभी यूज कर सकते हैं, कुछ हमें फ्यूचर के लिए यूज आएगी, कुछ हमने इनमें से यूज किए भी हैं। ठीक है, तो एट द वेरी बिगिनिंग वी हैव दिस बैकस्लैश ए, एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश ए। ठीक है, तो बैकस्लैश ए क्या करता है? अलार्म और बीप, आइदर अलार्म और बीप। ठीक है, तो या इसे एक साउंड, एक बीप सी अलार्म, जो अपने अलार्म साउंड अपने सिस्टम में रखी होगी या मोबाइल में रखी होगी या सिस्टम में रखी होगी, तो वो आती है। तो कैसे यूज करते हैं इसको? विल सिंपली यूज इट, वी यूज प्रिंट एफ बैकस्लैश ए, तो बैकस्लैश, और हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैकस्लैश ए हम यूज करेंगे। तो देखते हैं इससे क्या काम होता है हमें। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे सिस्टम ने एक साउंड प्ले किया। ठीक है, जो इसका बेसिक साउंड है, ये साउंड हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एक साउंड आ जाता है। जैसे ही किया तो साउंड एक प्ले हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यार एक अपने आप जहां पे भी यूज करोगे अपने सिस्टम में, जो अपने बेसिक साउंड रखे होंगे, तो उस टाइप का साउंड आएगा। ठीक है, इन द वेरी बिगिनिंग, जब पुराने सिस्टम्स विंडोज लिनक्स है, उससे पहले विंडोज 95 डॉस बेसिक में, तो वहां पे वो एक अनोइंग सी साउंड आया करती थी। ठीक है, अब तो माशाल्लाह नए सिस्टम में साउंड थोड़े थोड़े क्या बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, तो पहले पहले बड़े अनोइंग से साउंड थे, लेकिन इसका काम ही है कि एक साउंड, एक अलार्म टाइप बीप समथिंग, वो प्ले करना। ठीक है, then we have underscore backslash b, that is for backspace. backspace का मतलब, suppose मैं ये में एक line है, ठीक है, मैं एक दो step आगे आ गया हूँ, अगर मैं चाहता हूँ इस line पे दो step पीछे जाना, तो मैं backspace use करूँगा। ठीक है, कैसे use करते हैं? वैसे ही print f में use करते हैं। ठीक है, और backslash b लिखते हैं, ताकि मैं एक step पीछे चला जाऊं जिस लाइन पे मैं हूँ और जहां पे मैं हूँ। सपोज एक लाइन है, ठीक है, दिस अ लाइन, और इस लाइन पे सपोज मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ, पॉइंट एफ पे, तो मैं चाहता हूँ मैं पॉइंट वी पे चला जाऊं। ठीक है, मैं पॉइंट एफ पे हूँ और चाहता हूँ मैं पॉइंट वी पे चला जाऊं, तो इस काम के लिए मुझे बैक स्लैश बी यूज करना होता है। ठीक है, देन वी हैव फॉर्म फीड, जो जो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उनमें फॉर्म क्या कोई ऑनलाइन फॉर्म, अब अपने वेब बेस्ड ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। ठीक है, उसमें तो अलग तरीका है, लेकिन अगर हम उस टाइप का एक फॉर्म अपने सी प्रोग्राम में बनाए, ठीक है, तो वहां पे फॉर्म फीड, फॉर्म्स पे जाना, उन्हें वेर इनपुट्स पे जाना, कैसे नेक्स्ट पे जाएंगे वगैरह, वो उन चीजों के लिए बैक स्लैश एफ यूज किया जाता है। देन वी हैव एक्चुअली हियर बैक स्लैश एन, एंड बैक स्लैश एन इज यूज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, तो न्यू लाइन इसे हमने यूज किया भी है, इससे पहले भी वी हैव यूज्ड इट एक्चुअली। बैकस्लैश एन जो है, इससे पहले भी हम यूज करते आए हैं बैकस्लैश फॉर द न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश एन हम पहले से ही यूज करते हैं प्रिंट एफ में, जब हमें एक नेक्स्ट लाइन पे जाना हो, प्रिंट करना हो, तो हम बैकस्लैश एन यूज कर रहे हैं। देन वी हैव बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न। बैकस्लैश आर किस काम आता है? सपोज दिस आई हैव दिस लाइन, लाइन, तो मैंने सपोज इस पे कुछ लिखा है और अभी मैं सपोज यहाँ पे पहुंच गया हूँ, सपोज एच पे पहुंच गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस लाइन के फर्स्ट जगह पे पहुंच, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन पहुंचूँ। सपोज दिस एफ इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यहाँ से स्टार्ट हुई थी लाइन, तो अगर मैं अभी एच पे हूँ या कहीं और पे हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बिगिनिंग ऑफ द लाइन में पहुंच जाऊँ, तो देन बिगिनिंग ऑफ द लाइन पहुंचने के लिए आई यूज दिस बैक स्लैश आर, ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेज रिटर्न। ठीक है, then backslash t tab horizontal space, we have already used it in our printf statements. then we have vertical tabs,
वर्टिकल टैब्स जैसे बैकस्लैश टी फ्रॉम टैब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टैब के लिए चार स्पेस के लिए, तो वर्टिकल टैब अगर ऊपर से नीचे सपोज हम इस लाइन पे है तो हमें चार स्टेप नीचे आना है, नीचे आना है इस तरह वर्टिकल में, वर्टिकल में ऊपर से नीचे, ठीक है। बाय वर्टिकल वी मीन लाइक, बाय वर्टिकल वी मीन लाइक दिस, ठीक है। अगर हमें ऐसे नीचे आना हो क्योंकि टैब तो ऐसे काम करता है, ठीक है, लेकिन वर्टिकल कैसे काम करता है, ऐसे वर्टिकल अगर हमें ऐसे नीचे आना हो देन एट दैट फॉर दैट थिंग वी यूज दिस बैक बैक स्लैश वी वर्टिकल टैब। देन अगर हमें बैक स्लैश ही प्रिंट करना हो, खुद बैक स्लैश ही प्रिंट करना, तो दो बार बैक स्लैश लिखना होता है, दो बार बैक स्लैश लिखना होता है अगर हमें बैक स्लैश ही प्रिंट करना हो। तो अगर हमें सिंगल कोड लिखना है तो बैक स्लैश के बाद सिंगल कोड लिख सकते हैं। तो अगर हमें डबल कोट्स डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो बैक स्लैश के बाद डबल कोट्स। अगर हमें क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले करना है तो बैक स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क। ये जो है बैक स्लैश, डायरेक्ट बैक स्लैश या कोट्स या क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं करते क्योंकि ये स्पेशल इनका कुछ अलग से मीनिंग है, तो इसलिए हमें अगर इन्हीं को प्रिंट करना है, ठीक है, हमारा अक्सर मकसद है कि इनकी जस्ट इनको प्रिंट करें, ठीक है, देन वी हैव टू यूज बैक स्लैश बिफोर दिस। देन ऑक्टल नंबर, नंबर सिस्टम जो आप में से जानते हो या जो नहीं जानते हो आगे जानेंगे अदर क्लास एज वेल। ऑक्टल नंबर सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है। हमारे पास बाइनरी है, वी हैव डेसिमल बाइनरी 0 and 1, डेसिमल हम जो यूज करते हैं 0 to 9 हमारे डेसिमल है, ऐसे ही ऑक्टल है 0 to 8, 0 to 7। देन वी हैव हेक्साडेसिमल, ठीक है, 0 backslash x double h is for hexadecimal numbers and backslash 0 is for null. Null means nothing, not a value. Zero null नहीं होता, zero का मतलब zero का एक value है, zero defines something, but null defines nothing. ठीक है, zero and null are different. ठीक है, तो backslash 0 करके हम null define करते हैं. ठीक है, तो ये जो escape sequences है, different escape sequences है, इनमें कई सारे हम आगे जाके यूज करेंगे, कुछ हम यूज कर रहे हैं, कुछ की शायद हमें जरूरत ना पड़े, मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे फॉर्म फीड की मोस्ट ऑफ द केसेस हमें शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश वी, बैक स्लैश सिंगल कोड, डबल कोड, हेक्साडेसिमल, कुछ चीजें यूज हो सकती है, कुछ यूज नहीं होगी, या ये अलार्म शायद हमें कभी अलार्म की जरूरत ना पड़े, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज one must be knowing these things. Okay? You may get a list of these backs, escape sequences from the internet or from any book you are consulting. You may get a list with the meaning as well. So, ek bar acha hai ki ek bar inko try kare. Like we can use backslash a, backslash b, form field to abhi nahi use kar sakte, backslash n hum use kar rahe hain, backslash r use kar sakte hain, backslash t karte hain, backslash v kar sakte hain use. ये चीज है, ये डबल कोट्स प्रिंट कराना, हेक्साडेसिमल वगैरह ना, तो बहुत सारी चीजें हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। सो फॉर दैट ट्राई व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू यूज प्रिंटर, तो प्रिंटर यूज करना है। जैसे हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं, तो सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा वेलकम, सपोज मैं लिखूंगा वेलकम बैक स्लैश टी, ठीक है, तो बैक स्लैश टी क्या होगा, ये वेलकम एक आएगा, ठीक है, फिर मैं करूंगा बैक स्लैश एन, नीचे चला जाओ एक, एंड मैं फिर या बैक स्लैश एन के बजे बैक स्लैश वी, बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल में चले जाओ और फिर से लिखो सपोज समथिंग वेलकम बैक, ठीक है। तो ये चीजें जो है ऐसे हम इनका इनकी मीनिंग ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्रिंट आउट करके कुछ चीजें हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि नए ब्राउजर उसमें आपको जो है कुछ चीजें शायद ही काम न करे, ठीक है, या उनके बल्ले को एक स्पेशल कैरेक्टर वहां पर आए, बिकॉज जो हम यूज कर रहे हैं ये इनमें बहुत सारे जो मीनिंग्स है वो डॉस बेस्ड पे थे, डॉस बेस्ड सिस्टम जो थे, यू विल लर्न मोर अबाउट डॉस बेस्ड सिस्टम। अब हमें हमारे पास है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो कुछ चीजें काम करेगी कुछ नहीं करेंगी, या कुछ कंपाइलर्स में मे भी सारे काम करे, कुछ कंपाइलर में कुछ चीजें काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इनमें कोई इश्यू नहीं है, बट वी मस्ट बी नोइंग कि हर एक जो एस्केप सीक्वेंस है इसका एक
पर्टिकुलर मीनिंग है और वो मीनिंग क्या है।